बड़ी खबर कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं और इस बीच एक ऐसी खबर आ रही है जिसके बाद समाजवादी पार्टी से अलग हुए राजा भैया अपने नई पार्टी के साथ में कुछ भारतीय जनता पार्टी के पुराने एजेंडे को भी साथ में ले सकते हैं। दरअसल लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि राजा भैया आगे आने वाले चुनाव में अपनी नई पार्टी बनाकर चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन एजेंडा क्या होगा उनका। तो हम आपको बता दें कि अंदर खाने ये खबर चल रही है कि राजा भैया हिंदुत्व के एजेंडे को आगे लेकर चलना चाहते हैं और इसके साथ में SC ST एक्ट का विरोध करके सवर्ण समाज को एकजुट करके उनको विकल्प देने का पूरा मन बना चुके हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2014 के चुनाव में एक बड़ी जीत के साथ पूरे देश में अपनी सरकार उन्होंने बनाई, उसके बाद लगातार उनके हिंदुत्व की धार कमजोर होती जा रही है और इस बीच SC ST एक्ट को लेकर जो केंद्र सरकार ने ऐसा लिया था जिसमें अध्यादेश लेकर आई थी केंद्र सरकार, उससे सवर्ण समाज बेहद नाराज चल रहा था और ऐसे में राजा भैया के तौर पे सवर्ण समाज को एक ऐसा विकल्प मिला है जो अचूक है और इसके साथ ही हिंदुत्व का कार्ड भी राजा भैया खेलते हुए नजर आएंगे, यानी सवर्ण समाज एकजुट होकर राजा भैया के पीछे खड़ा रह सकता है। अगर आप भी राजा भैया का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। जुड़े रहने के लिए।